इस्मा असलम एंड यू वॉचिंग TCL5 टॉकिंग पॉइंट्स। आज हम बात करेंगे उस गेम के बारे में जो पाकिस्तान ने लास्ट नाइट खेली अगेंस्ट इंग्लैंड और बहुत बड़ी जीत मिली है पाकिस्तान को इस मैच में। 10 विकेटों से पाकिस्तान ने ये मैच जीता और क्या ही शानदार परफॉर्मेंस रही हमारे ओपनर्स की। हम इस ह्यूज विक्ट्री के बारे में बात करेंगे बट हम शुरुआत करेंगे उन पॉइंट्स के साथ जहाँ हमें लगता है कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव विद यू क्रिकेट एनालिस्ट नवाब हसन हुसैन कुरैशी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है, सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इन ओपनिंग पेयर्स के बारे में, ये दो रिजवान और बाबर के बारे में इतनी बातें हो रही थी, लोग कह रहे थे कि बाबर को वन डाउन आना चाहिए, सबके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम, जैसे मैंने मेंशन किया कि हम उन पॉइंट्स पर बात करें जहां हमें लगता है कि अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है बिकॉज वर्ल्ड कप बहुत दूर नहीं है, कुछ ही दिन रह गए, अब तो एक महीना भी नहीं, कुछ दिन रह गए कि हमें वर्ल्ड कप में जाना है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम लास्ट नाइट? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स अ ब्रिलियंट विक्ट्री। एंड स्पेशली जो हमने प्रेशर देखा जो कप्तान पे था, जो रिजवान पे था, उसको जिस तरह उन्होंने आंसर किया, बट कुछ कंसर्न्स अभी रहते हैं और लोग कहेंगे कि जी आप इन पे क्यों, बट आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उन पे इंप्रूव करके हम और भी बेहतर कर सकते हैं। एंड आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, इट कुड हैव बीन एन इवन बेटर परफॉर्मेंस, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इतनी बड़ी जीत में भी हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन था। इट शोज यू कि हमारी सीलिंग कितनी हाई है, हमारे प्लेयर्स कितना ऊंचा जा सकते हैं। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, हल्के से नेगेटिव्स भी हैं, एंड उनको जब हम इंप्रूव करेंगे इट विल ओनली मेक अस अ बेटर टीम। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी जो हमें दो विकेट्स मिल गई थी धानी ने, एक चांस भी था उनके पास कि वो हैट्रिक के लिए जाते, लेकिन क्या शानदार बॉलिंग की उन्होंने, उस ओवर में दो विकेट्स ली, लेकिन उसके बाद हम उस तरह से मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम व्हाट डू यू थिंक कि क्या करना चाहिए था उस वक्त कि हम उस मोमेंटम को कैरी करते, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होने देते और ये जो 199, क्योंकि हमें पता है कि हम हर रोज 199 चेज नहीं कर पाएंगे। आई थिंक एक प्रॉब्लम हमें ये रहा कि हमने जब विकेट ले ली तो थोड़ा सा हम शायद सरप्राइज हो गए, हमने थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट अडॉप्ट कर लिया और हमने फिर उनको मौके दिए इंग्लैंड को कि वो पार्टनरशिप्स बिल्ड करें, जो हमें नहीं अलाउ करना चाहिए था। अब बहुत सारे हमारे माशाल्लाह दोस्त और भाई बहन हैं जिनको दहानी की सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम है, तो मेरी यही दुआ है कि इंशाल्लाह उनकी ये प्रॉब्लम जाए, कंटिन्यूड रहे, दहानी सेलिब्रेट करते रहे। इट वॉज सो गुड टू सी हिम प्ले द वे ही डिड प्लेइंग इन कराची। उसके बाद मोमेंटम हमारे पास, देखें डेविड मलान जैसे इतने बड़े प्लेयर को हमने जब आउट किया तो लग रहा था कि असेंडेंसी में है, बट स्लोली स्लोली इंग्लैंड केप्ट फाइंडिंग वेज बैक, फील्ड प्लेसिंग थोड़ी सी हमारी बेहतर हो सकती थी, अर्जेंसी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, उस पॉइंट से उनको इतना बड़ा स्कोर कर देने में हमें, वी शुड सी इट एज अ वरीइंग साइन, और मे बी हमने शायद थोड़ा इजी ले लिया, उनको स्पिन बहुत ज्यादा करा दी, सो दैट्स एन एरिया वी शुड look to work on. जब आप दो back to back बड़ी wickets लेते हैं, Hales और मलान की, उसके बाद you should put the pressure on, you shouldn't allow England के वो आप पे वापस pressure डालें। आपने बात की अभी हमारी field placing थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन जो ball हाथों में आ रहे थे वो भी नीचे जा रहे थे। What do you think about that? के मतलब इस तरह क्यों हो रहा है? इतने easy catches drop हो रहे हैं। I know I want to call it a one-off, but पिछले मैच में भी हमने देखा और दोनों fielders जिनसे ये गलतियां हुई are some of our safest fielders. शान and खुशदिल दोनों बहुत अच्छे fielders हैं। But I was reading a stat yesterday कि पाकिस्तान का catching percentage 75% है in T20 internationals, which is the lowest of any ICC test playing nation. इस पे हमें काम करना पड़ेगा। हमने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल में भी देखा, अगेन शादाब easily our best fielder, one of the best fielders in the world. ये एक concern है कि जब आपके इतने अच्छे fielders catches drop कर रहे हैं और वही catches आपको फिर matches हरा रहे हैं, ये हर मैच में हम नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आपने कहा हर मैच में हम 200 नहीं chase कर सकेंगे, तो we should make it easy. देखें मोइन जब ड्रॉप हुए तो 32 पे थे, आखिरी दो बॉलों पे उन्होंने छक्के मारे, उन्होंने उसके बाद 8 बॉलों पे 22 रन बनाए, दोस रन्स वी कुड हैव डन बेटर इफ वी'd बीन चेसिंग 180-170 टाइप। तो फील्डिंग इज अ कंसर्न और थोड़ी सी ग्राउंड फील्डिंग भी हमारी, मुझे कल उसने मायूस किया, वी हैव टू वर्क हार्डर ऑन इट, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया जहां पे वर्ल्ड कप होना है, जहां पे बड़े ग्राउंड्स हैं, देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। आई थिंक हमें अपनी फील्डिंग पे जो भी जितना भी हम टाइम डाल रहे हैं उसको इंक्रीज करना चाहिए, एंड वी मस्ट सी इट एज अ कंसर्न। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए TCL5 टॉकिंग पॉइंट्स। अ ब्रीज ऑफ कंफर्ट, एन एरा ऑफ इंटेलिजेंस, अ लाइफस्टाइल दैट इज स्मार्ट, डिजायरेबल and interconnected. TCL, inspire greatness.
वेलकम बैक टू TCL 5 टॉकिंग पॉइंट्स. हम कंसर्न्स के बारे में बात कर रहे थे. नेगेटिव्स में आज बिल्कुल नहीं कहूंगी. मैं नहीं चाहती लोग नीचे लिखना शुरू कर दें कि आप लोगों को सिर्फ नेगेटिव नजर आते हैं. तो द नेक्स्ट कंसर्न इज हमने देखा कि इंग्लिश बैटर्स जो थे वो 200 के स्ट्राइक रेट पे स्ट्राइक कर रहे थे, एंड दैट इज अ वरी साइन, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून ही होता है कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो इतना अच्छा करें कि मतलब वो रिकॉर्ड ही बन जाए. जैसे मैं कल पढ़ रही थी कहीं कि ये रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा जो चेज है आपने 10 विकेट्स के साथ कर लिया. आई थिंक ये भी हमारे लिए कंसर्न है कि हमने अगेन क्या किया कि वो तो अच्छा खेले ही खेले, बट क्या हमने गलतियां की कि उसके बाद उनके जितने बैट्समैन आए उसमें से आप देखें सिवाय वो कि जो जल्दी आउट हुए उनके बैट्समैन 200 पे स्ट्राइक कर रहे थे, विच मींस दे वर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग अस. हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं था. इट शोज फ्रॉम द फैक्ट कि हमने इतने अच्छा पावर प्ले में उनको होल्ड करने के बाद उसके बाद जो 7वें ओवर से 17वें ओवर तक और आखिरी 3 ओवरों में उन्होंने हमें मारा. अब जनरली कल मैं एक और वही स्टैट देख रहा था, शेयर हुआ था कि पाकिस्तान जो है आखिरी 4 ओवरों में अंडर 40 रन्स, वी हैव द बेस्ट डेथ बॉलिंग सिंस 2020, बट कल वो रिकॉर्ड भी यू नो हमारे से छीना गया, हमें काफी रन्स मारे गए. और अगर आप गौर करें कि दिस इज स्टिल डिस्पाइट द फैक्ट कि हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उनका ओवरऑल इकोनॉमी रेट 7.5 था, तो इसका मतलब है अगेन हमने उनके बैट्समैन को या तो फ्रीडम दी या हम उनको रोक नहीं सके. ऑन अनदर डे दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर अस. जब आपने इतनी अच्छी स्टार्ट करके उनके ओपनर्स को, पिछले मैच में हमने देखा एलेक्स हेल्स ने कितना अच्छा स्टार्ट दिया, कितने इंपॉर्टेंट थे, उनको होल्ड कर लिया, देन वी मस्ट फाइंड वेज टू कीप टेकिंग विकेट्स और स्टॉप द स्कोरिंग. बिकॉज लाइक यू सेड, हर दफा नहीं होना कि आपके ओपनर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन करेंगे, तो दैट इज अनदर कंसर्न. एंड उसमें आई थिंक वो जब हमारे पे प्रेशर डाल रहे थे हमारे पास कोई जवाब नहीं था. अच्छा, एक और कंसर्न जो मैं जिस पर डिस्कस करना चाह रही थी वो है हमारा मिडिल ऑर्डर. कल तो उनकी बारी नहीं आई बेचारों की. यही तो हमारा हल है, उनको बैटिंग ही नहीं देनी है. हमने शुरू के दो दो तीन खत्म कर देंगे, मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर ही नहीं होगा. कल हमने हल ढूंढ लिया इस प्रॉब्लम का, बस यही करना है इस मैच के लिए एटलीस्ट. हर मैच में यही करना है अब हमने. अब हम पॉजिटिव्स की तरफ आ जाते हैं. सबसे पहले धानी की हमने पहले भी बात की. जिस तरह से वो आते हैं, जो उनकी एनर्जी है, जो वो यू नो अपना 100% देते हैं और वो दिख रहा होता है कि वो यू नो जान मार रहे हैं बॉलिंग में. और हमने कल देखा कि 2 विकेट्स ली उन्होंने और फिर उस वक्त लगा हमें कि शायद ये स्कोर इतना लंबा नहीं जाएगा. 2 विकेट्स नहीं, और बहुत सारे लोग ये भी भूल गए जब खुशदिल वाला कैच ड्रॉप हुआ तो वो इतने शोर थे कैच हो गया कि वो सेलिब्रेशन के लिए निकलने वाले थे. तो ही बोल्ड वेरी वेल, बोल्ड विद अ लॉट ऑफ वैरायटी. उन्होंने जब पहली विकेट ली हेल्स वाली, उस पर उन्होंने अपना हाथ बॉल के ऊपर जिस तरह से टर्न किया, मिलान को उन्होंने टारगेट उस एरिया पे किया. उनको पता दीज आर वेरी बिग विकेट्स फॉर अ यंग प्लेयर, एंड स्टिल अ यंग प्लेयर कमिंग थ्रू. एक आप कह लें ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस था अगेंस्ट सच अ बिग टीम. सेकेंडली, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि लोग रियलाइज शायद नहीं करते कि शाहनवाज दहानी के लिए यहां तक पहुंचना, उन्होंने कितनी स्ट्रगल देखी, कितनी मेहनत करके पहुंचे. जब आप इतनी स्ट्रगल और इतनी मेहनत के बाद कहीं पहुंचते हैं, आप आराम से मौके को नहीं जाने देते. तो ही इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, एंड ही ब्रिंग्स अपनी वो जो पैशन लेके आते हैं, प्राइड. वो जो कल इंग्लिश कॉमेंटेटर्स भी कैचअप हो गए थे उनकी सेलिब्रेशन में कि वो कहां पॉइंट कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं. इट्स ब्रिलियंट टू सी, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल टू सी. एंड पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स अ कैरेक्टर लाइक हिम. हमें जरूरत है ऐसे एक खिलाड़ी की जो आके अपनी जान लगाता है, एंड स्पेशली आई थिंक कंसिडरिंग के he's still finding his way in the team. उन्होंने कल एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया जो आई होप वो कंटिन्यू करें, बिकॉज उनका जो स्किल सेट है, the ability he has to hit a hard length can be very useful for us in Australia. And माशाल्लाह पाकिस्तान right now हमारी पेस बॉलिंग डेप्थ इतनी है कि हमारे पास ना नसीम थे और ना शाहीन थे, एंड स्टिल वी हैड अ यंग फास्ट बॉलर बॉलिंग वेरी वेल, समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ. वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड. TCL QLED 4K TV C735. Let the game begin. TCL. वेलकम बैक, यू वॉचिंग TCL 5 टॉकिंग पॉइंट्स. रिजवान के बारे में बात करना चाहूँगी, बिकॉज पहले वो अच्छा कर भी रहे थे लेकिन सब लोग ये बात कर रहे थे कि वो बॉल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं. 12-13 ओवर तक वो रहते हैं क्रीज पे और फिर मिडिल ऑर्डर को जो है वो टाइम नहीं मिलता है, वो एक्सेलरेट नहीं करते हैं अपनी इनिंग को. लेकिन कल हमने देखा है कि जिस तरह से रिजवान खेले हैं उन्होंने सबको चुप करा दिया. और जो उन्होंने वो बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो हो गया वैसा ही.
बिल्कुल, और अगेन रिजवान के लिए ये देखने की अच्छी बात थी कि जो एक कंसर्न बहुत लोगों को होता है उनके ऑफ साइड प्ले के साथ, उन्होंने वहां पे भी अच्छा स्टार्ट किया, अपनी स्ट्रेंथ पे भी खेले। अगेन हमने कल जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखी दोनों के बीच में, और अर्ली अग्रेसर रिजवान थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस तरह से उन्होंने निकल के सिक्सेस मारे, शॉट्स मारी, आई थिंक एक तरफ से उनको देख के, एंड अगेन दिस इज द सेकंड टाइम रिजवान इज मेड 350s इन अ रो, आई बिलीव उनका पिछले कितने मैचेस में, दिस 14 विनिंग कंट्रीब्यूशंस में उनकी 50s हैं। तो अगेन ऑब्वियसली देखें, जब लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो टाइम कंज्यूम करते हैं, इट्स नॉट जस्ट वन, वो अकेले तो नहीं बैटिंग कर रहे होते ना, सिंगल विकेट तो नहीं खेल रहे होते, दूसरी विकेट से भी आपको रन चाहिए होते हैं। तो आई फील कि कल उनको भी देख के बाबर को भी जरा कॉन्फिडेंस ज्यादा आया, और वो दोनों अपनी जोन में थे, एंड व्हेन दे आर बोथ प्लेइंग लाइक दैट, यू नो आई थिंक दे, उनका एक बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। एंड फॉर मी द हैप्पीएस्ट थिंग वाज जस्ट सीइंग बाबर सेलिब्रेशन, जब रिजवान सेलिब्रेशन जब बाबर ने अपनी 100 की थी, दैट जस्ट शोज यू एक टीम स्पिरिट जो वहां पे है, एंड ओवरशैडो हो जाएगा बिकॉज बाबर ब्रिलियंट थे, बट रिजवान वाज एक्सेप्शनल यस्टरडे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, शॉट्स अराउंड द विकेट, अटैकिंग शॉट्स खेलना, रियली रियली गुड टू सी। Maybe I was one of the few people जिन्होंने बाबर का जो थोड़ा सा बुरा एक फेज गुजरा है उसमें एक भी शिकायत नहीं की बाबर से, because I believe in him, मुझे पता है कि वो किस उनकी capabilities क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं on the given day, and बाबर ने कल ये प्रूव किया। शुरू में वो थोड़ा स्लो खेल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने जब टाइम था, रन रेट को, एक चीज़ जो मैं यहाँ मैंशन करना चाहूँगी, रन रेट को साथ साथ लेके चले, and I was watching that कि अच्छा इस ओवर में हम 2 रन पीछे रह गए, इस ओवर में हम 4 रन पीछे रह गए, लेकिन फिर एक ऐसा ओवर आता था जिसमें हम आगे होते थे रन रेट से, जो रिक्वायर्ड था वो हमारा कम होता था, तो दैट इज वेरी गुड टू सी, इट्स ब्रिलियंट टू सी। देखें, एवरीवन विल गो थ्रू अ रफ पैच, आई वोंट से ही वेंट थ्रू अ बैड, ही वाज इन बैड फॉर्म, ही वाज अ बिट अनलकी ड्यूरिंग द एशिया कप आल्सो, वो शॉट मार रहे हैं, फील्डर को चली गई है, जो हमने कंप्लेंट सुनी कि जी लेग स्पिन नहीं खेल सकते, आई थिंक कल फिर उन्होंने आदिल से पहले निकल के मारे, और मोइन के खिलाफ स्पेशली, और फिर जिस तरह उन्होंने एक्सेलरेट किया, एक टाइम था जब रिजवान के बाबर से ज्यादा बड़े लोगों ने रिसेंटली कंपैरिजन किया, क्योंकि हमने एक और ग्रेट से देखा जब उन्होंने 100 मारी कि बाबर कब 100 मारेगा, तो आई थिंक बाबर ने वो बात सुन ली, उन्होंने कहा अच्छा अगर ये सवाल है तो मैं आपको इतनी जल्दी मार देता हूं, मुझे तो इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। We just saw the world's best batsman playing in his best way. Yeah. और कल I think जो fluency थी, और again considering बड़े लोगों को एक issue था कि जी बाबर spin के खिलाफ stress हो जाते हैं, जिस तरह उन्होंने कल spin की पिटाई की है, it was really good to see. अब लोग कहेंगे जी विकेट ऐसी थी, स्पिनर ऐसे थे, व्हाटएवर, बट टू हैव बाबर रोर बैक इनटू फॉर्म, एंड जो नॉइज थी इस्मा जी कराची क्राउड की जब बाबर ने अपनी 100 की, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिकेट, दैट वाज गिविंग मी गूज़बम्प्स, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू सी, इट वाज यू नो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट, एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी, एंड इंशाल्लाह बाबर कंटिन्यूज दिस फॉर्म, एंड होपफुली अब थोड़े से जो तनकीद करने वाले हैं वो थोड़ी सी ब्रेक ले लें, बड़ी मेहरबानी होगी। And the other good thing we're watching, like since a couple of few matches, is Haris Rauf. वो किस तरह से अपनी गेम को दिन ब दिन बेहतर कर रहे हैं, बाकी सब बॉलर्स को मार पड़ी होती है और सिर्फ वो बच जाते हैं। What do you think कि वो ऐसा क्या बेहतर कर रहे हैं बाकियों से? I think एक तो कल एक बड़ा important point English commentators ने बनाया था कि he's disguising his slower ball so brilliantly कि उनको realize ही नहीं हो रहा कि जो बंदा 140 पे करता है वही बॉल जब वो 120 पे लेके आता है, because देखें Haris is a phenomenon, Haris जो पेस लेके आते हैं, and he, like you said, he keeps improving, हर गेम से वो improve हो रहे हैं, उनके पिछले 5 matches में हर match में 2 या 3 wickets हैं, और उनका economy rate staggering है, considering कि वो death overs भी कराते हैं, जहाँ पे normally आपको मार पड़ती पड़ती है, और अब वो early, देखें मैं आज भी कहूँगा पाकिस्तान should have won the Asia Cup final just for the way Haris bowled in that game, जो उनका bowling performance था, उसको continue रखना against a very good England
टीम, स्लोअर बॉल यूज करना. आई थिंक माशाल्लाह हारिस का भी ये है कि ही इज इन अ प्लेस व्हेन ही नोज हिज गेम इनसाइड आउट, और वो बॉलिंग अटैक को कैरी कर रहे हैं. अभी ना उनके पास शाहीन है ना उनके पास नसीम है, सो इट्स समथिंग इंशाल्लाह टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर अस, बट यू हैव टू सेलिब्रेट हिज परफॉर्मेंसेज. अगेन हारिस एक एग्जाम्पल है आपके पास किसी का, किस तरह उन्होंने अपनी जगह बनाई इस टीम में, किस तरह वो आए. बड़े पाकिस्तानियों के पास पेस होती है, दिस इज अ कंट्री दैट इज ब्लेस्ड विद दैट, बट जिस तरह उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया ईयर ऑन ईयर, अब उनके पास एक नाउस है, अब उनके पास एक आप कह लें थिंकिंग प्रोसेस है कि द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन आर नॉट श्योर, इट्स नॉट एज सिंपल एज कि हारिस बस तेज कराएगा तो उसको छक्के मार देंगे. अब उनके पास एक वैरायटी है एंड आई थिंक ही इज बॉलिंग एक्सेप्शनली राइट नाउ. लॉन्ग मे इट कंटिन्यू इंशाल्लाह, बट यू हैव बिल्कुल आपसे कह रहे हैं यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट. देखें दूसरों को 9 और 12 की एवरेज पे जा रहे हैं एंड वो 7.5-8 की एवरेज पे कर रहे हैं. इट्स एन एक्सेप्शनल इकोनॉमी रेट फॉर T20 क्रिकेट. डिस्कशंस का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. और अब बात कर लेते हैं हम आज मैच खेला जाना है. एक तो माशाल्लाह काफ़ी लंबी सीरीज है, जब मैचेस नहीं हो रहे होते ना तो मैं तो बहुत मतलब मायूस सी हो जाती हूँ. कुछ करने को शायद और नहीं होता, ट्विटर पे भी मज़ा नहीं आ रहा होता क्योंकि कुछ बातें नहीं हो रही होती क्रिकेट के बारे में. सो आई एम हैप्पी कि हमारे पास 7 मैचेस 5 बाकी हैं अभी. सो डू यू थिंक आज डू यू थिंक कुछ चेंजेस करना बनते हैं आज के मैच में? देखें कुछ तो बनते हैं, इफ़ आई विल बी ऑनेस्ट विद यू मे बी इट्स टाइम कि हम खुशदिल को थोड़ी सी ब्रेक दे दें. बहुत ज़्यादा एक तो अंडर प्रेशर भी आ रहे हैं एंड मे बी इट्स अ गुड टाइम टू ट्राई आसिफ. सेकेंडली एट द सेम टाइम आई डोंट वॉन्ट टू ड्रॉप हिम आफ्टर वन गेम, बट हसनैन की गेम कल थोड़ी सी मुश्किल थी, बट मे बी इट्स वर्थ परसिवेरिंग. अब इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि अब इंग्लैंड ने दोनों दफ़ा टॉस जीता है, अब वो हमें ऑप्शन तो नहीं देते चेस करने की, आई डोंट थिंक सो. सो वॉट डू वी डू इन केस वी डोंट विन द टॉस? आई वुड लाइक टू सी द सेम इंटेंसिटी जिससे हमने चेस किया था. अगर हम टारगेट सेट भी कर लें अपने माइंड में हम रखें कि कर सकते हैं, ऑब्वियसली विकेट भी डिफरेंट होगी, थोड़े से चेंजेस होंगे. आई थिंक इंग्लैंड भी थोड़े से चेंजेस करेगा. आई वुड लाइक टू सी अस मेक अ चेंज ऑल्सो. वन थिंग जो मुझे लगता है हमें करना चाहिए, स्पेशली आई डोंट नो अगर कोई इंजरी कंसर्न्स हैं इस वक्त शायद आपके, बट उस्मान को एक दो गेम्स और दें. उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा आप उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं. प्लेयर्स गेट बेटर व्हेन दे प्ले, स्पेशली लेग स्पिनर्स, उनके लिए खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट वुड बी गुड टू सी टू अ सर्टेन एक्सटेंट. और उसके अलावा बस यही, अगर हम इंटेंसिटी रखें, बिकॉज इंग्लैंड जो है वो अपनी इंटेंसिटी रखेगा, उनके पास भी बहुत ज्यादा डेप्थ है, उनके पास भी बॉलर्स हैं. आई डोंट सी टू मेनी चेंजेस एज लॉन्ग एज पाकिस्तान के लिए मोर देन द पर्सनल इसमें जी, हमारे लिए इंटेंट ना चेंज करना और एटीट्यूड ना चेंज करना बहुत जरूरी है. सो अगर हम आज बैटिंग फर्स्ट करते हैं आई थिंक वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स कि हम फिर 200 कर सकते हैं एंड आई थिंक आवर बॉलिंग इज गुड इनफ, तो मे बी वी सी सम चेंजेस. इट्स गुड दैट दिस बैक टू बैक गेम्स, अभी काफी सीरीज पड़ी है, बट जो टीम आज जीती आई थिंक उनको एक और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाएगा. एक लीड जो होती है उसके साथ जाने से आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है. एंड अगेन होप टू सी अनदर ग्रेट क्राउड इन कराची. द फर्स्ट टू गेम्स द क्राउड इन कराची हैज बीन एक्सेप्शनल. तो आज तो फ्राइडे भी है, तो आई थिंक वी विल सी मोर पीपल कमिंग टू द ग्राउंड. सो Inshallah, looking forward to another great game and hopefully another great win for Pakistan. Yeah, I think so. Changes to honge because Babar ne after the first match, unhone presentation ceremony mein kaha tha ki mujhe hum log jo hain wo different combinations try kar rahe hain because you know World Cup bahut hi pass hai aur jitni options hain wo try agar kar li jaye to wo behtar hi hai hamare liye. So that's all from the show today. Aapse mulaqat hogi hamari agle episode mein. Apna bahut khayal rakhiye. Allah Hafiz.